और ये वो होटल था जहाँ पे रात को मैं तो भैया आप मुझे लेके जा रहे हैं अपना गांव एक्सप्लोर करा। हाँ जी, तो डिनर विनर हो सॉरी हाँ जी, तो मेरे को वहाँ से निकले हुए आधा घंटा हो गया। तो मेरे सामने देख लो आप, सुनसान जंगल है, बीच में रास्ता है। तो जहाँ से मैं निकला था वहाँ से मिजोरम है 8 किलोमीटर। तो जी यहाँ पे गाड़ी गुड़ी तो कोई चलती नहीं, इक्का दुक्का कोई गाड़ी चलती है, वो भी लिफ्ट मांगा मैंने, दी नहीं किसी ने अभी तक। तो पैदल ही जाना पड़ेगा लगता है मिजोरम बॉर्डर तक। उसके बाद देखते हैं मिजोरम इंटर करने के बाद क्या होता है, फिर कहाँ लिफ्ट मिलती है, कहाँ रुकता हूँ, बताता हूँ आपको आगे सारा। तो जी सीन कुछ ऐसा है कि मिजोरम बॉर्डर के पास मैं पहुँच चुका हूँ। तो ATM पैसे निकलवाने आया था, तो यहाँ पे एक छोटा मिनी ATM है जो कि ये भैया जी ने मुझे निकाल के दे दिए। तो भैया क्या नाम है आपका? सुबिने चकमा। तो ये चकमा ट्राइबल से है ना? हाँ। तो ये ऐसा कुछ है, बाकी यहाँ बाहर है तो बस पैसे निकाल लिए, एक भाई मेरे को छोड़ने आया है बॉर्डर तक, तो बस निकलते हैं फिर अब। तो जी ये भाई है जो मुझे रास्ते में मिल गए थे, इन्होंने अपने घर लेके गए, चाय वाय पिलाया, बोलते हम भी नेपाली आओ हमारे घर पे। तो इनके घर पे गया मैं चाय वाय पिया, अभी मेरे को बॉर्डर तक छोड़ने आया मिजोरम, तो यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। ठीक है भाई फिर। ओके हाँ जी, तो ये बॉर्डर है जी। तो बॉर्डर में ये सर एक सर ये है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से भैया इनर लाइन परमिट लेना जरूरी है, तो आपने लिया नहीं, बट हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अगर जाना है तो जा सकते हो, आगे जाके जरूर ले लेना। तो ऐसा कुछ सीन है। थैंक यू सो मच सर आप दोनों का। तो बस अब मैं यहाँ से बॉर्डर इंटर हो रहा हूँ, तो आगे जाके जहाँ पे पुलिस स्टेशन आएगा वहाँ पे इनर लाइन परमिट ले लूँगा। तो ऐसा कुछ है जी, मिलते हैं आगे आपको मिजोरम में पूरा। तो जी फाइनली बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे मिजोरम बॉर्डर से निकलने दिया बिना इनर लाइन परमिट के। और तो ऐसा कुछ सीन है भाई, निकलते हैं फटाफट यहाँ से। अब जाना जो मैंने फर्स्ट डेस्टिनेशन है मेरी 50 किलोमीटर, देखता हूँ आज लिफ्ट वगैरह मिलती कि नहीं मिलती। यहाँ पे गांव में मुझे नहीं लग रहा लिफ्ट मिलेगी, जैसे भी मिलता है पहुँचते हैं। हाँ जी, तो जैसे बॉर्डर क्रॉस किया 10 किलोमीटर तो पैदल चल चुका हूँ मैं, और यहाँ पे सुनसान है गाँव है, दूर दूर तक कोई गाड़ी घोड़ा है नहीं। तो फाइलिंग जाना है, फाइलिंग है 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और है, देखो कब तक पहुँचता हूँ। मुझे नहीं लग रहा इस हिसाब से पहुँच पाऊँगा रात को कहीं। फाइलिंग से पहले एक राजीव नगर टाउन है छोटा सा, वहाँ स्टे करना पड़ेगा, देखते हैं पहुँच पाते कि नहीं। तो यहाँ के लोकल लोग देख लो आप, यहाँ पे लोकल लोगों के घर कैसे हैं, देखो बांस के बने हुए हैं, ऐसा कुछ सीन है, पूरे बांस से बने हुए घर हैं। सो गाइस फाइनली 15-20 किलोमीटर चलने के बाद पहली लिफ्ट मिलती हुई मेरे को मिजोरम में। बहुत टफ रहा यार मिजोरम का मेरा पहला दिन, बहुत ही टफ रहा, बड़ी मुश्किल से लिफ्ट मिली यार, भूख के प्यासे मारे बुरा हाल हो चुका था। फाइनली मिल गई है, राजीव नगर तक पहुंचूंगा, वहीं पे आज रात को रुकूंगा और फिर वहां से कल निकलूंगा फैंगलिंग के लिए। बड़ा टफ डे था भगवान, मिलते हैं आपको आगे। हाँ जी, तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं मिजोरम के अंदर। तो कब का पहुंच चुका हूं, मतलब जहां मैंने आना था टाउन में राजीव नगर, तो पहुंच चुका हूं। यह एक शेड का था, तो यहां पे मैंने टेंट लगा लिया अपना, वो देखो पीछे। और सवेरे में यहाँ से निकलूँगा गांव को शूट करके, गांव अच्छा है, तो यहाँ से निकल जाऊँगा 10-11 बजे फाइलिंग के लिए, उसके बाद फिर आइजोल। तो यहाँ का गांव दिखाता हूँ आपको कुछ। ये देखो ऐसा कुछ गांव है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? उड़ गया जी मैं अभी सुबह, अब निकलते हैं मिजोरम में। पहली रात बहुत अच्छी रही क्योंकि चलना बहुत बड़ा, आपको पता ही है। तो जहाँ मैं रुका हूँ एक ऐसे कोई वो ये छत शेड जैसा है, और बाहर यहाँ मार्केट लगी है शायद सुबह, तो आपको मैं दिखाता हूँ, चलो। देखो जी सुबह यहाँ पे मार्केट लग चुकी है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ किस्मत बहुत अच्छी है यार, आजकल मार्केट बहुत लग रही है, वाह क्या बात है। तो चलते हैं। तो देखो जी यहाँ पर भी सेम जैसे त्रिपुरा में मार्केट लगती थी वैसी सेम यहाँ पर भी, मिजोरम में भी सेम वैसी मार्केट लगी हुई देख लो। और ये वो होटल था जहाँ पे रात को मैंने खाया था खाना, स्टॉल लगा हुआ देखो यहाँ पे, आप ले सकते हो पता नहीं क्या क्या है, ब्रेकफास्ट का सिर्फ है अंडे वंडे समोसे देख सकते हो सारा कुछ। ब्रिज है गाँव को जाने के लिए दूसरे रास्ते में, दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा गाँव। ओ वाओ झूला झूल रहा है ब्रिज, तो
देख सकते हो जी मम्मी डिस्ट्रिक्ट और राजीव नगर गांव। ब्रिज की हालत भी बड़ी खस्ता हो चुकी है, टूटने वाला कभी भी। तो 160 किलोमीटर है अब भैया इम्तिहान शुरू कर दी भगवान ने खड़ी, देखते हैं क्या बनता है, अब कैसे जाते हैं क्या करते हैं, कुछ पैदल कुछ लिफ्ट मिलती भी है कि नहीं। वैसे आज मिल जाएगी, मार्केट लगी हुई, कोई ना कोई तो जा ही रहा होगा, तो ऐसा कुछ ही नहीं, देखते मिलते हैं आपको। पहली लिफ्ट मिल गई है, अंकल जी ने मुझे दे दी है, तो ये 7 किलोमीटर तक जाएंगे। चलो 7 किलोमीटर तक ही चलते हैं, शुक्र है भगवान का और शुक्र है अंकल जी का। तो ऐसा कुछ सीन है भाई, निकलो यहाँ से गाँव से पहले, फिर देखते हैं आगे। हाँ जी, तो जैसे वो भैया ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया अंकल जी ने गाड़ी वाले में, तो यहाँ पहुँचा, तो एक ये भैया मुझे मिल गए। इन्होंने कहा यार मैंने बहुत यूट्यूबरों को रिक्वेस्ट किया कि आओ हमारे गांव का थोड़ा शूट करो बताओ, तो कोई नहीं आया, जिसमें से एक है राजपूत जो मेरे जम्मू का ही है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, और एक ट्रैवलिंग अफ्रेड करके है, वो बड़े यूट्यूबर है भाई, इसलिए आते नहीं, किसी की सुनते नहीं। तो इन्होंने मुझे जैसे रिक्वेस्ट किया मैं आ गया। तो ये भैया है जी, भैया क्या नाम आपका? गोविंद। हाँ, तो ये गोविंद भैया है, इनकी एक शॉप है, तो इन्होंने कहा आज थोड़ी देर बैठो, उसके बाद मैं आपको गांव घुमाऊंगा, फिर आज यहीं रुकना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसा होता है इनका। मैं आपको थोड़ा शॉप का टूर करा देता हूँ। ये शॉप का नाम है जॉय वैरायटी स्टोर। तो एक्चुअली आपको यहाँ पे सारा अपैरल्स वगैरह जो भी कपड़े शपड़े बच्चों के बड़ों के सब मिल जाएंगे आपको, ऐसा कुछ दुकान है ये देख सकते हो। तो भैया आप मुझे लेके जा रहे हैं अपना गांव एक्सप्लोर कराने के लिए, तो यहाँ पे एक BSF कैंप है थोड़ा टॉप में, और उसके बाद ये सारा गांव है, तो अब देखो कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे है बच्चे लोग हैं यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, किक किक। वाओ, ये जो अभी हम लोग बाहर में आए हैं ये हो गया टीपी भरी का BSF कैंप हो गया, लेकिन इतना आदमी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ में 5-6 आदमी रहता है, क्योंकि यहाँ में हेडक्वार्टर नहीं होते हैं। पहले तो यहाँ में हेडक्वार्टर था, आगे में तो यहाँ में हेडक्वार्टर था, हेलीपैड भी था उधर, पुराना वाला हेलीपैड, लेकिन अभी तो नहीं बन गया, अभी तो पूरा उधर राजीव नगर का आसपास में उधर हो गया। अच्छा, आप बताओ भैया कुछ यहाँ के बारे में, शर्मा हुआ तो बताओ, बताना नहीं है। अरे बताओ बताओ बताओ। तो ऐसे घूमने के लिए आया। अच्छा, घूमने के लिए आया। मेरा दोस्ती लोग है। ठीक है, आप सारे दोस्त हो? हाँ। ठीक है। अभी पुराना हेलीपैड वाला उधर ही है, हम लोग अभी देखने के लिए आया बाइक का सामने। अच्छा, बाइक का सामने देखने के लिए आया अभी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे अजी पुराना हेलीपैड पहले यहाँ पे हुआ करता था BSF वालों का, बट अभी नहीं है। अभी कहाँ शिफ्ट हो गया ये? अभी उधर जो राजीव नगर हो गया ना, उधर बोरदार फेंसिंग में हो गया। अच्छा, बोरदार फेंसिंग है, राजीव नगर के पास है शायद कहीं, तो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये दिखाने के लिए लेके आए हैं कुछ ऐसा एरिया पूरा टॉप का, देख सकते हो पूरा चारों तरफ पहाड़ियाँ दिखाई देंगी आपको मिजोरम में। और ये भैया का यही गाँव है कि आगे है आपका गाँव? हाँ, ये हमारा गाँव। हाँ, ये भैया का यही गाँव है, तो शायद उनका रूम उस साइड है, वो उस साइड है शायद। पहले यहाँ में जो राजीव गांधी हो गया ना, राजीव गांधी भी हेलीकॉप्टर से आया इधर। अच्छा, एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, ठीक है। छोटा वाला। तो ये जी भैया की फैमिली है, और ये इनकी बच्ची है छोटी वाली, क्या नाम है इनका? हरलीन। तो हरलीन, हाँ। ये तो पंजाबियों का नाम होता है। तो देखो कितनी क्यूट है, कितनी स्वीट है। हेलो, हाय। ये देखो भैया मल्टी टैलेंटेड है भाई, दुकान कपड़े की दुकान के साथ साथ हेयर कटिंग भी इनको आता है। वाह भाई, वेरी गुड। तो ये गांव के यहाँ पे खुद ही करते हैं, यहाँ पे सलून वगैरह नहीं है शायद, इसलिए ये लोग खुद ही करते हैं भैया। तो जी अब मैं जा रहा हूँ भैया के साथ इनके घर पे, वो भैया कह रहे हैं कि थोड़ा खाना वाना खा लो, और उसके बाद वैसे तो मेरा रुकने का प्लान था, लेकिन क्या है कि कल यहाँ पे छुट्टी है, तो गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चलती है, तो अगर मैं कल रुका फिर परसों तो भी रुकना पड़ेगा मुझे, मतलब आज रुका तो कल भी रुकना पड़ेगा, और कल गाड़ी है नहीं, तो इसलिए बस इनके घर का थोड़ा टूर करके पावर बैंक चार्ज करके थोड़ा खाना वाना खा के हम निकल रहे हैं। तो भैया ने थोड़ी देर के लिए क्लोज कर ली अपनी शॉप, तो बस अब चलते हैं उनके घर पर, देखते हैं कैसा है, आपको दिखाते हैं। तो हरलीन पीछे आती हुई साइकिल में, उसके पापा उसको लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा ही दूर है मेरे ख्याल में इनका घर।
जी पहुंच गए भैया के घर पे हम। ये ग्रीन शेड वाला दिख रहे हो आप, ये भैया का घर है। और इस साइड पूरा हरियाली। तो ये उसकी दूसरी सिस्टर आ गई। हेलो हेलो, व्हाट योर नेम? तो जी ये इनकी दूसरी बेटी है, इनका नाम हेली है, हेली। और ये उनका एक लड़का है। तीन भाई बहन है ये लोग। तो ऐसा कुछ घर है जी, चलो दिखाते हैं आपको अंदर जाके। तो ये है जी इनका घर। तो ये इनकी वाइफ है, हेलो जी। तो ऐसा कुछ इनका घर है, देखिए जी बहुत ब्यूटीफुल है, पूरा खुला खुला। कार्टून चल रहे हैं, बच्चे लोग कार्टून देख रहे हैं। तो ये कौन है आपके पड़ोसी? ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये इनके मेहमान हैं जी, ये घर पे मेहमान आए हुए हैं। ओ अच्छा अच्छा, आप त्रिपुरा से आए हैं, ठीक है ठीक है। मिलने के लिए आए हैं इनको, ये मेहमान हैं इनके, त्रिपुरा से आए हैं। ओके ओके, पैदल कोई बात नहीं, रेस्ट ही है भैया जी। ने खाना वाना रेडी करके रख दिया है। तो पहले मैं थोड़ा हाथ वॉश कर लेता हूँ। क्या बनाया हुआ है ये, क्या चीज़ है? अच्छा वो सेमिया। हाँ। ये सेमिया है, ये चिकन है, वो क्या है? वो जंगल का आलू बोलते हैं हम लोग। वो जंगल का आलू है। और ये पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा कुछ है। अभी देखते हैं क्या होता है, मैं हाथ धो के आता हूँ। बोलो खाना शुरू करेगा? हाँ तो जी भाई खाना शुरू कर रहे हैं। मिजोरम में पहुँच चुका हूँ, तो फर्स्ट टाइम मिजोरम फैमिली के साथ में खाना खा रहा हूँ। ये भैया जी है गोविंद इनका नाम है। तो यार खाने में बहुत कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ। थैंक यू भैया हॉस्पिटैलिटी के लिए यार। तो खाना चला खाएंगे फिर निकल जाएंगे हम यार, ऐसा कुछ सीन है। ये तो दूसरे भैया इनके रिश्तेदार है, मतलब फैमिली वो है, फ्रेंड है, तो हमको शूट कर रहे हैं। ठीक है जी, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। तो डिनर विनर हो, सॉरी लंच वंच हो गया। बहुत मजा आया यार, बिल्कुल घर का जैसा, मतलब जो मेरे को जम्मू में फील होता है सेम वैसे फील हुआ। मेरा तो हो गया, भैया का भी ऑलमोस्ट हो चुका है। अब भैया मुझे कह रहे हैं मैंने आपको नीचे गाँव में घुमाने ले जाता हूँ मैं। ठीक है चलो चलते हैं। तो भैया अब मुझे यहाँ से लेके जा रहे हैं नीचे अपने भैया के पास, तो वहाँ थोड़ा घूमेंगे और उसके बाद से निकल जाएंगे अपने सफ़र के लिए। तो ये भैया जी यहाँ पे लेके आए हैं अपने दादू के घर में। तो देखो जी ऐसा कुछ घर है। तो जी ऐसा कुछ घर है इन लोग का, इनके भैया जी का, दादू जी का, हाँ मतलब दादू जी का घर है। तो ये बच्चे को झूले में झूला दे रहे हैं, ऐसा सीन है जी कुछ। हाँ जी, तो ऐसा कुछ था, ये भाई जी ने अपने घर पे लेके गए, खाना पीना खिलाया। तो अब मैं निकल रहा हूँ, तो मुझे ये छोड़ने के लिए आए हैं यहाँ तक। तो थैंक यू सो मच यार भैया आपके हॉस्पिटैलिटी के लिए। तो यार यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, तुम आओ यहाँ पर, अगर जिसने भी ट्रैवल करना हो या घूमना हो तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। तो काफ़ी मतलब कि हेल्पफुल हैं लोग, हेल्प करते हैं, रहने को देते हैं, बहुत यार मतलब अच्छे लोग हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। तो भैया अब मेरे को थोड़ा आगे तक छोड़ने आए भैया, उसके बाद मैं जा रहा हूँ नई मंजिल के लिए। और भैया अपने दुकान में जाएंगे, दुकान खोलेंगे। ठीक है फिर भैया, बाय बाय। लेकिन भाई आपको भी मैंने रुकने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन आप तो और आगे बढ़ने आगे जाने, इसलिए तो मैंने इतना फोर्स भी नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, थैंक यू। और आप कहीं भी जाओ हमको खबर दे दो, मैंने सब्सक्राइब और भी कर लिया है, मैं देखते रहूँगे। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। भैया बोल रहे हैं कि मैंने आपको रुकने के लिए रिक्वेस्ट किया बट आप रुके नहीं। वो इसलिए कि यार मुझे यहाँ से अभी 50-60 किलोमीटर और दूर जाना है, और अगर मैं यहाँ रुक गया तो कल संडे है, कल फिर छुट्टी होगी, कल फिर रुकना पड़ेगा। तो इसलिए आप समझ सकते हो, दो दो दिन फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा कुछ है जी, बाय बाय भैया। हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ